बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे कि यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें आपकी सक्सेस मिले, आपको सफलता मिले, या आप बिजनेस करते हैं और किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि उस मीटिंग में आपको फ़ायदा हो जाए, तो घर से निकलते समय आपको क्या उपाय करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। इन छोटी टिप्स को अपना करके आप बड़ा फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जब आप घर से निकलें तो याद रखिएगा, घर की डेवड़ी से जब बाहर कदम रखें तो दाहिना कदम पहले निकालिएगा। इसके बाद जब आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं या टू व्हीलर से जा रहे हैं या फोर व्हीलर से जा रहे हैं, तो यदि आपकी अपनी गाड़ी है, फोर व्हीलर है, तो जब उस गाड़ी में बैठें तो उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, पीछे बैक ना करें। यदि मान लीजिए कि आपको बैक करना पड़ेगा गाड़ी निकालने के लिए अपनी, या टू व्हीलर निकालने के लिए, तो उसको एक दिन पहले ही ऐसी पोजीशन में खड़ा करके रखें, ऐसे पार्क करके रखें कि शुरू में एकदम से आपको बैक ना करना पड़े। पहले थोड़ा आगे बढ़ा लें, थोड़ा सा पहिया आगे बढ़ा लें, मतलब आगे की तरफ आप चले गए, फिर बैक कर लीजिए तो ठीक रहेगा। यानी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। और यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने घर से निकल के जाइए और आगे बढ़ते हुए जाइएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। इसके बाद जिस काम के लिए आप गए हैं, जहां वहां पहुंच जाएं, तो याद रखिएगा जिस समय में आपकी मीटिंग शुरू होनी है या इंटरव्यू शुरू होनी है, तो उस समय जो टाइम हो वो पौने का समय ना हो। जैसे पौने 9 बजे ना हो, पौने 10 बजे ना हो, पौने 11 बजे ना हो, पौने 12 बजे हो, या तो आप 9:30 बजे चले जाइए, 10:30 बजे पहुंच जाइए, 11:30 बजे। जब आपका इंटरव्यू के लिए आप एंटर करें तो वो पौने का टाइम नहीं होना चाहिए, 12:30 का टाइम चलेगा, 9:30 बजे, 10:30, 11:30, या एक्यूरेट टाइम चलेगा 10:11, 12:00। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे टिप हैं, इनका प्रयोग करके आप सकारात्मक सोच के साथ इंटरव्यू दीजिएगा। भगवान की कृपा से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, या आप बिजनेस मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप खुद ही कोई मीटिंग लेने वाले हैं, मान लीजिए बिजनेस की, और आपके पास ऑप्शन है, तो कोशिश करिए कि जब आप बैठ करके मीटिंग ले रहे हैं उस समय जो आपका फेस है, या तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो, या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो। पूर्व दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, और उत्तर दिशा भी शुभ मानी जाती है। तो इनमें से किसी तरफ आप अगर फेस करके बैठेंगे और फिर कोई मीटिंग लेंगे या कोई फैसला लेंगे या कोई बड़ा काम करेंगे, तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी अवश्य फ़ायदा होगा। तो भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करें और आपके जीवन में सुख बढ़ाएं। ऐसे हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करिए और ज़रूर बोलिए जय श्री कृष्ण।